फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। कुख्यात बदन सिंह बद्दू की जमींदोज की गई कोठी व जमीन को आज पुलिस ने जब्त कर लिया। 2.5 लाख रुपए का इनामी बदन सिंह बद्दू करीब 2 साल से लगातार फरार चल रहा है। गिरफ्तारी ना होने पर उसकी कोठी पर हाल ही में पुलिस ने बुलडोजर चलवा दिया था। आज इस पर जब्तीकरण की कार्रवाई करते हुए वहां पुलिस का बोर्ड लगा दिया गया है। बता दें कि 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दू 28 मार्च 2019 को फरार हो गया था। बदन सिंह की फरारी उस वक्त हुई जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, यानी सुरक्षा के खास इंतजाम थे और दावा किया जा रहा था कि पुलिस के पत्ते पत्ते पर नजर है। फरारी के बाद बदन यहां अपने सहयोगियों के घर आराम से रहा और फिर दिल्ली के रास्ते से फरार हो गया। बदन सिंह फरार हुआ लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने की जहमत नहीं उठाई। 2 साल होने को आ गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभिषेक कुमार के जनहित याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन के आला अफसरों शासन एकाएक की नींद से जागा और बदन सिंह की कोठी को जमींदोज कर दिया गया। जब्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मौजूद CO अमित राय ने मीडिया को यह जानकारी दी। 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दू, जिस पर 43 मुकदमे पंजीकृत हैं, उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत उसकी तकरीबन 1.25 करोड़ की संपत्ति को, जो कि अचल संपत्ति है, उनके आदेश के क्रम में जब्त कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आगे की विधिक कार्रवाई में क्या इसकी अपराध से अर्जित जो अन्य संपत्तियां हैं पुलिस उस पर भी काम कर रही है। ज्यों ही उसके अच्छे प्रमाणिक साक्ष्य मिल जाएंगे उस संपत्ति का भी जब्तीकरण किया जाएगा और इसकी गिरफ्तारी के भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।